जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है। मेघ गरजते हैं, बिजलियां कड़कती हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वो जीव है बाज, क्योंकि वो समस्या की जड़ों से ऊपर उड़ता है। वो गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्षा से, इन सब से ऊपर। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। ये युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। वो कृष्ण तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रमित करता रहता है। बहुरूपिया मात्र है वो तो। उस कृष्ण का तो इस संसार में अब एक और शब्द वासुदेव के विरुद्ध मत कहना, अन्यथा क्या अंगराज है? मार डालोगे मुझे? मार डालोगे? दुर्योधन तनिक देखो तुम्हारी सेना का ये वीर कहीं वास्तविकता में उस छलिए का गुप्तचर तो नहीं है? छलिए और बहुरूपिये तो तुम हो पौंड्रक। कुछ ही क्षणों में तुम्हारी वास्तविकता मेरे समक्ष आ गई है। तुम मेरी चिंता करनी छोड़ो, केवल अपनी चिंता करो। तुम केवल एक बड़बोले ढोंगी हो जो वासुदेव होने का स्वांग रचा कर बैठे हो। तेरा इतना दुस्साहस कि तू मुझे पौंड्र का वासुदेव को ढोंगी कहता है, मूर्ख! अरे शांत हो जाओ मित्र, शांत हो जाओ। पौंड्र कांड का यह तात्पर्य नहीं था। मेरा यही तात्पर्य था। ये ढोंगी है, यदि तुम वास्तव में वासुदेव हो तो मुझे निशस्त्र करके दिखाओ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। पौंड्रक वासुदेव को चुनौती? ऐसे खड़े खड़े देख क्या रहा है तू, मूर्ख? हाँ, मेरे साथ युद्ध कर। मेरे हाथों मरेगा, तुझे मोक्ष मिलेगा। जिस प्रकार आज मैं तेरा अंत करने वाला हूं, उसी प्रकार मैं उस कृष्ण का भी अंत करूंगा, उस छोड़ का। जो रासलीला के नाम पर स्त्रियों को भ्रमित करता है, जो बाल क्रीड़ा के नाम पर स्त्रियों के वस्त्र चुराता है, जो स्वयंवर से स्त्रियों का हरण करता है, उस कृष्ण का पक्ष ले रहा है तू? उसको, उसके लिए तू मुझसे युद्ध कर रहा है? उस कृष्ण का भी मैं वध करूंगा, पहले तेरा उसके बाद उसका। अब तुम्हें सीमा पार करती है। नहीं मित्र, नहीं मित्र, आज इस पौंड्र का अंतिम दिवस है।
अगला प्रहार तुम्हारे सीने को चीर देगा पौंड्रक, क्षमा मांगो। अब बोलो क्या कह रहे थे तुम, कौन हो तुम? मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक वासुदेव मैं ही हूं। पाखंड नहीं कर मित्र, नहीं नहीं मित्र। रुक जाओ अंगराज, अंततः वो दिन आ गया कृष्ण, जिसकी वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी। यदि अंत से पूर्व मनुष्य को उसकी भूल का भान हो जाए तो अच्छा ही होता है। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि वास्तविक वास्तविक वासुदेव कौन है। मैं ही हूं वास्तविक वासुदेव, वासुदेव। इसलिए जिसका अधिकार आरंभ से केवल मेरा है, मुझे मेरा सुदर्शन चक्र दे दो कृष्ण। देने ही तो आया हूं तुम, परंतु चेतावनी, मैं तुम्हें बहुत अवसर दे चुका हूं पौंड्रक, तुम्हारे पाप का घड़ा भरता जा रहा है पौंड्रक, अब मेरा स्वांग रचना बंद करो। चुप कर छलिया कृष्ण, तू ढोंग, तू छलिया मुझे बताएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो तुझे देव मानते हैं ना, वो सब दृष्टि ही हीन है और बुद्धिहीन भी, परंतु मैं नहीं हूं। अपने सहयोगियों को धैर्य की महिमा समझाओ दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ होने में अभी समय शेष है और समय से पूर्व युद्ध को आमंत्रण देना सर्वनाश को आमंत्रित करने के समान होता है दुर्योधन, क्योंकि इस समय मैं अस्त्र ना उठाने के लिए बंधित नहीं हूं। मनुष्य को खाई में गिराने के लिए उसका केवल एक पग पर्याप्त होता है पौंड्रक। अभी अभी मैंने कर्ण को रोककर तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से रोका है, कदाचित तुम्हारा अगला पग तुम्हारा अंत ना रोक पाए पौंड्रक। कृष्णा बंद कर ये भाषण छलिए, छलिए पाखंडी, आज मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा कृष्ण। पहले रखो मित्र, क्रोध मुझे भी आ रहा है, अपने क्रोध को युद्ध के लिए बचा के रखो। ठीक कहा वासुदेव, युद्ध होगा परंतु उचित समय पर और उचित स्थान पर, उस महायुद्ध के प्रथम दिवस पर मैं आपको उत्तर अवश्य दूंगा। चोटिल हो मित्र, आओ तो मैं तुम्हारे शिविर पर छोड़ दूं। आओ
मित्रकर्ण, तुमसे हस्तिनापुर पे भेंट होगी। आशा है तब तक तुम अपने इस भ्रम से निकल जाओगे और तब तुम समझोगे कि मेरा चुनाव उचित था। आशा तो मुझे थी मित्र कि तुम अपने भ्रम से निकलकर वास्तविक शक्ति को पहचानोगे, परंतु अब कोई लाभ नहीं। जो हानि तुमने स्वयं को और हम सबको पहुंचानी थी वो तुम पहुंचा चुके हो। चल मोटे आज। कृष्ण, मैं अपना सुदर्शन चक्र तुझसे लेकर रहूंगा, जिस पर आरंभ से केवल मेरा अधिकार था, है और रहेगा। हेलो सारथी। प्रणिपात वासुदेव, आप क्या थे? इतनी भी क्या शीघ्रता मित्र? सारथी रह चुका हूं तुम्हारा, आज भी अपने रथी का मन पढ़ सकता है ये नटवर। समझता हूं कि तुम व्यथित। क्या अपने मन की बात अपने सारथी से नहीं कहोगे तुम? अपने रथी का मन आप पढ़ सकते हैं ना, तो पढ़ लीजिए। इसीलिए कहता हूं मित्र, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। दुर्योधन ने उचित चुनाव किए, उसे शक्ति चाहिए थी, उसे मिल गई। नारायणी सेना अब उसके आदेश के अधीन होगी। नारायणी सेना में नारायण ही ना हो तो वो कैसी नारायणी सेना केशव? दुर्योधन ना पहचान सका वो आप जानते हैं, और उसे मैं भी देख सकता हूं। जिस क्षण उसने आपको त्याग कर सेना को चुना, उसी क्षण उसने विजयश्री थाल में सजाकर पांडवों को भेंट कर दी। ऐसा क्यों लगता है मित्र? नारायणी सेना दुर्योधन के अधीन होने से उसकी शक्ति में वृद्धि अवश्य हुई है। तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन ने भूल की? क्या मिला उसे निहत्थे कृष्ण को चुनने से? जिसके हाथ के संकेत से सृष्टि बनती है और बिगड़ती है वो कैसे निहत्था हो सकता है वासुदेव? परंतु सत्य ये भी है मित्र कि मेरे युद्ध में उपस्थित रहने पर मैं युद्ध नहीं करूं तो फिर मुझसे किसी को क्या हानि और क्या लाभ? सबसे बड़ा अस्त्र तो आप चला चुके हैं, स्वयं को दुर्योधन के विपक्ष में रखकर आप ही कहते हैं ना कि निर्णय ना लेना भी कभी कभी सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है, कि हम पक्ष ना चुनकर भी कभी कभी पक्षपात कर जाते हैं, भले ही संसार ना देख पाए, परंतु मैं जानता हूं कि आपने पक्ष लिया है वासुदेव। नहीं मित्र, मैं किसी का पक्ष नहीं लेता।
ना किसी को चुनता हूं, लोग मुझे चुनते हैं या छोड़ते हैं। मानता हूं कि आपने किसी को नहीं चुना, परंतु आपने दुर्योधन को बाध्य किया कि वो आपको ना चुने। आपने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि वो ही आपको चुने जिसे आप चुनना चाहते हैं। क्या ये एक प्रकार का पक्षपात नहीं वासुदेव? तुम्हारी यही प्रवृत्ति मुझे भाती है मित्र, और तुम्हें सबसे भिन्न बनाती है। तुम बुद्धिमान और स्पष्टवादी भी। ऐसा होकर भी क्या लाभ वासुदेव, जब मैं आपका साथ ना पा सका। कितने वर्ष हो गए हमारी भेंट को, जब से हम मिले हैं हमारे पक्ष सदा भिन्न थे, परंतु हमारी सोच एक थी वासुदेव। फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया मित्र? आप सब जानते हैं, फिर भी ये प्रश्न कर रहे हैं। अब तो मान जाइए कि आप पक्षपाती हैं। कैसा पक्षपात अंगराज? विराट नगर में मैंने कौरवों और पांडवों को समान अवसर दिए कि द्वारका आकर मुझसे पहले जो समर्थन की मांग करेगा मैं उसी का समर्थन करूंगा। विराट नगर में जब आपने वचन दिया वहां सब उपस्थित थे, परंतु द्वारका में जो घटित हुआ वो केवल दुर्योधन और अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन को केवल आपने भ्रम दिया और शक्ति दी अर्जुन को।